विदिशा जिले के गुरुवाई के ग्राम बरबाई में आज सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया और समस्याओं के निवारण हेतु SDM अंजलि शाह के प्रतिनिधि को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। पुलिस बल भी पुतला दहन नहीं रोक सका। भयंकर पानी की बौछार और सिविल ड्रेस में उपस्थित पुलिसकर्मी भी पुतला दहन को नहीं रोक पाए। पूर्व प्रदेश कांग्रेस महामंत्री सुभाष बोहत एडवोकेट ने कहा कि कुरवाई विधानसभा क्षेत्र में लगातार गांव-गांव में जाकर जन समस्याओं को उठाने का काम 5 वर्ष से लगातार किया जा रहा है, लेकिन जब से छीना छपटी की भाजपा सरकार आई है तब से भाजपा नेता और अधिकारी कर्मचारी मंत्र मुग्ध हो चुके हैं। गरीबों, किसानों, मजदूरों, दुकानदार भाइयों की किसी प्रकार से सुध नहीं ली जा रही। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। किसी भी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया, मजबूरी में आज हमने मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करने का निर्णय लिया है। मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है, सभी साथी यहां पर आ जाएं और मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर जो ज्ञापन सौंपा जाना है उसमें अपना सहयोग करने का कष्ट करें। मैं इस मैदान में जो मार्केट लगता है वहां पर धरना प्रदर्शन हमारा जारी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।